अब मेरा पहला चैलेंज, सब लोगों का नॉलेज लेवल डिफरेंट है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कैसे एक फिक्स पीपीटी को सबके साथ में फॉलो करूं। तो मैंने कहा कि पहले हम सब लोग धीरे धीरे सब लोगों के हिसाब से अपना एक फ्लेक्सिबली अपना लेवल्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं। कहीं हो सकता है मेरे को अपने लेवल से बहुत ऊपर करना हो या बहुत नीचे जाना हो, सो दैट कि हमारा एक जेनरिक सिस्टम में नॉलेज आ जाए और फिर हम एक एक व्यक्ति के साथ में इनपुट के तौर पर उसको डिस्कस कर सकते हैं कि उसको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, एंड वील डू दैट। और मेरा और आरती का पूरा काम आपस में बटा हुआ है। मैं मंत्र, थ्योरी, लेक्चर, ये मेरा पार्ट होता है। हीलिंग, मेडिटेशन, काउंसलिंग, ये आरती का पार्ट है। सो हम दोनों का आपस में बहुत रिलीजियसली सारा पार्ट बटा हुआ है, और इसकी वजह से जो है हमें अपने काम को बताने समझाने में भी आसानी रहती है। अब सबसे पहले जो लोग ये सोचते हैं, मतलब जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग नॉन प्राणिक हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग प्राणिक हीलर्स हैं, तो जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो प्राणिक हीलर्स हैं इनको कितनी सारी चीजें आती है और हमें कुछ नहीं आता। जो एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि देखो प्राणिक हीलर्स को ये चीज पता है और हमें ये चीज नहीं पता। तो हम सब लोग जो हैं आज की तारीख में उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कि एक सर्टेन अमाउंट जो है वो हम सबके हिसाब से। बेला मैम आपको म्यूट करना पड़ेगा। दीक्षित जी प्रणाम, आपको भी सर म्यूट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जी सर, थैंक यू सर। राइट, नाउ इन दिस एक्टिविटी सबसे पहले जो नॉन प्राणिक हीलर्स हैं या नॉन एनर्जी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आवाज किसके एंड से आ रही है? यदुवंश जी शायद आपको ही म्यूट करना पड़ेगा। तो जिस किसी को भी बोलना है बड़ा सिंपल है, अपनी मतलब अनम्यूट करिए, अपनी बात बोलिए। मैं यहां से नहीं किसी को भी बंद कर रहा हूं, अपनी बात कहिए और उसके बाद फिर से तुरंत म्यूट कर लीजिए, सो दैट कि हमारा डिस्कशन डायलॉग के तौर पर चले और कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। तो जो लोग भी जानकारी जिस भी सिस्टम पे रखते हैं वहां पर मैंने ऑब्जर्व करा कि हमारे यहाँ किसी ने जानकारी को गलत कर दिया, और जानकारी गलत होने की वजह से जो एनर्जी थी वो घट गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल जो है सब लोगों के सामने रखा देर आर चक्रास, वो चक्रास जो आप सब लोगों ने अभी तक पढ़े हैं और वो चक्रास जो मैंने रिसर्च में ढूंढे, मैंने वो दोनों को आमने सामने रख दिया। उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जिसको जानकारी नहीं है उसने कुछ खोया नहीं, जिसको जानकारी है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। बट दैट डजंट मीन कि वो उसका टाइम वेस्ट हो गया। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जहां तक की हमारी नॉलेज बाउंड्री थी एटलीस्ट वो वहां तक पहुंच गई। तो हमारे को बीज मंत्र जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है बीज मंत्र का नाम, उसके साथ कौन सी उसकी साउंड अटैच्ड है। जैसे मूलाधार चक्र है तो लम बीज है, एलिमेंट कौन सा है तो वो स्काई एलिमेंट है। ये मैंने पीपीटी की स्लाइड्स आप सबके साथ शेयर कर दिया, आप आराम से देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई लिखने और उसका पार्ट नहीं है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था वो था उसका कलर क्या है। अब हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पर जब मैंने देखा तो मुझे वो विबग्योर मिला ही नहीं, क्योंकि विबग्योर का जो बेस था वो 7 के ऊपर डिजाइन था, विरेज ये 7 थे ही नहीं, ये तो 9 थे, तो विबग्योर कैसे होगा? तो विबग्योर नहीं था। और फिर दूसरी बात ये, जब मैंने विबग्योर को भी ध्यान से देखा तो मैंने कहा विबग्योर को उल्टा कर दो तो ये ठीक बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मूलाधार चक्र जो है वो स्काई एलिमेंट है, वहां पे वॉयलेट कलर लगा देता हूं मैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्काई एलिमेंट तो ब्लू, पर्पल, इस तरीके के कलर में होना चाहिए।
वाटर जो है वो ब्लू या ग्रीन होना चाहिए, तो वो जो कलर स्कीम है वो आप लोग खुद फिर से वैलिडेट करिएगा। मैं एक छोटे बच्चे की तरीके से अपने काम को लेकर चलता हूँ, जहां मैं हर चीज पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका क्या कलर है, आपने कहा ये वाला है, कैसे प्रूव करोगे, साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा। तो एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, क्या नाम था, आमिर खान की मूवी थी ना, वो हमारे जितने भी सिस्टम थे ना, उसमें कहता था इसमें कुछ लोचा है, इसमें कुछ किसी ने गड़बड़ करी है, क्या नाम था उस मूवी का, पीके, पीके, पीके सर, पीके थी। तो मैंने वो पीके वाले मॉडल को ही अपने लाइफ, अरे एक पीके मूवी आई थी और एक ओ माई गॉड आई थी, ओएमजी, इन लोगों ने हमारे सिस्टम का बड़े तसल्ली से मजाक बनाया। मैंने कहा अगर इन्होंने मजाक बनाया है और ये मजाक बहुत पॉपुलर हुआ है तो इसका मतलब यही रास्ता है, हमें हर चीज को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एक्चुअली हम अगेंस्ट दी फ्री विल ऑफ गॉड के तौर पे तो उसको उल्लंघन कर ही रहे। तो मैंने फिर एक एक करके हर चीज को क्वेश्चन करा और आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं करे, मेरे में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर मेरे सामने कोई मंत्र आया, मेरे गुरुजी ने मुझे वो मंत्र बताया, तो मैंने ब्लाइंडली उस मंत्र को फॉलो करा क्योंकि मेरे गुरुजी ने बताया। बट जब मैंने उसे ब्लाइंडली मंत्र को फॉलो करा तो मेरा इंटेलेक्चुअल बढ़ा, लेवल बढ़ा, और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ने की पहचान क्या है, मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई, मैंने सवाल करने शुरू करे, सवाल करता गया मैं और मेरे गुरुजी उसको आंसर करते चले गए। कुछ सवाल ऐसे जनरेट हो गए कि मेरे गुरुजी ने कहा भाई देखो ऐसा है, मैंने जब पढ़ा था तब ये चीज इस तरीके की थी, अभी अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन था जिसने मेरी लाइफ चेंज करी थी वो था ये आत्मा कहाँ पर है। तो मेरे गुरुजी ने बताया कि ये दोनों आंखों के बीच में जो है ये जगह होती है जहां से तीसरा नेत्र पता चलता है। मैंने किसी और व्यक्ति से पूछा और देखा तो मुझे पता चला कि वहां पर वो दोनों कानों के बीच में था। तो जो तीसरा नेत्र था वो दोनों कानों आंखों के बीच में नहीं था, दोनों कानों के बीच में था। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर, बोले ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैंने कहा कैसे, बोले नंबर ऑफ चक्रा का फर्क हो गया। तो हमारे सिस्टम में 9 चक्रा थे, 5 कॉमन थे, सॉरी 6 कॉमन थे, 7वां चक्र था लब्धिकाग्र जो दोनों कानों के बीच में आता है, और 8वां चक्र था क्राउन चक्रा क्लोज्ड। एक क्राउन चक्रा है और एक क्राउन चक्रा क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मैं अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को कर रहा हूँ वो चक्रा बंद रहता है, जिस दिन मेरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज खत्म हो जाता है तब वो खुलता है और मेरे शरीर से आत्मा निकलकर ऊपर परमात्मा वाली अपनी नेक्स्ट साइकिल पे चली जाती है। जब वो उस नेक्स्ट साइकिल पे जाती है तो उस चक्रा की वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू कैसे कोरिलेट हो रही थी और क्यों किसी ने इसमें गड़बड़ करी, हमारी नवरात्रि होती है, हमारा नवग्रह 9 प्लैनेट्स का सिस्टम है, हमारा 9 चक्रास है, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, और क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक थे तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सका कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई चक्रा ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसका क्या मतलब होगा और मैं उससे किस तरीके की सिचुएशंस को एड्रेस कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने मेरा वो एक फोटो देखा होगा जिसमें पीछे मैंने आई लिख रखा है, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फोटो था, मैं अभी डाल देता हूँ। आप लोगों को दिख गया जिसमें आई लिखा हुआ मेरा एक फोटो है, मैंने सब जगह उसको शेयर करा था। जी सर देखा हुआ, फेसबुक पर भी था सर। जी 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 बिल्कुल। अब उस फोटो को कोई जरा मुझे पढ़कर बताए जरा।